बजरंग दल की कार्यकर्ताओं ने नूर शर्मा के समर्थन में जिलाधिकारी से मिलकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से देश द्रोहियों को सजा दिलाने की मांग की। किए हैं, आंदोलन किए हैं, देश की गरिमा को ठेस पहुंचाए हैं, भारत माँ के गरिमा को ठेस पहुंचाए हैं, उन लोगों के विरोध हम लोग आज धरना प्रदर्शन किए हैं और जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपने आए हैं कि ऐसे जिहादी इस्लामिक कट्टर पंथी जो लोग हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और उन लोगों के खिलाफ ऐसा कार्रवाई होना चाहिए कि वो भविष्य में कभी भी सड़क पर उतरकर आंदोलन करने का और भारत के जो नागरिक हैं उन लोगों को तंग ना करे। इन्हीं के लिए हम लोग आज डीएम को ज्ञापन देने आए हैं कि राष्ट्रपति ऐसा कानून लगाए, ऐसा नियम बनाए कि सभी लोगों को कड़ी कार्रवाई हो कि वो सड़क पर ना उतर पाए। ये भारत हमारी मातृभूमि है और इसको हम लोग जितना शांतिपूर्ण और अच्छा से रखेंगे उतना ही हमारा कार्य संवैधानिक ढंग से कर रहे हैं। और जो भी कार्य अभी हम लोग कुछ दिन पहले आरती किए थे, आरती मंदिर में हुआ था, परमिशन लेकर हुआ था, कोई भी हम लोग असंवैधानिक कार्य नहीं कर रहे हैं, सारा संविधान के अनुसार कर रहे हैं। हम लोग कहीं भी रोड पर कहीं कोई तोड़ फोड़ या कोई बवाल नहीं किए हैं, शांतिपूर्ण सारे कार्य हुए हैं। परिचय, चंदन ओझा, जिला मिलन प्रमुख, बजरंग दल भोजपुर। आज हम लोग ज्ञापन सौंपने आए हैं जिला अधिकारी के सामने। जो भी जिहादी लोग, जितना ये लोग हर राज्य में पथराव, पुलिस पर भी पथराव, यहाँ तक कि प्रशासन पर जो लोग पथराव किया है उसके एवज में आपस में पेट्रोल बमबारी, तरह तरह का तनावपूर्ण जो स्थिति पैदा हुई है पूरे देश में, और नूपुर शर्मा के खिलाफ, और नूपुर शर्मा जब हमारे देवी देवताओं का जब अपमान हो रहा है तो उसके खिलाफ आज तक हम लोगों ने कुछ नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने जब गलत एक्शन लिया, जब गलत रूप लिया, तब हम लोग शांतिपूर्वक धरना किए और धरना करने के बाद आज डीएम कार्यालय पर ज्ञापन सौंपेंगे राष्ट्रपति तक कि जो भी इसमें सम्मिलित असामाजिक जो तत्व है, जिहादी लोग हैं, उन लोगों को जल्द से जल्द अरेस्ट करके उन लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। परिचय जी।